तहसील आपके द्वार और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। उदयपुर से दरअसल ये खबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। 1.5 घंटे से स्कूली छात्र फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं बच्चों को। सरू के खेड़ात फला गांव में करीब 60 ऐसे बच्चे हैं जो कि पहाड़ी पर फंस गए हैं। जल के बहाव को आप जरा देखिए। सरू से जिला मुख्यालय का संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। ग्रामीण बेहद परेशान हो रहे हैं और सबसे हैरान और चौंकाने वाली जो बात यह है कि प्रशासन को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अब जरा हम आपको तस्वीरें ब्रीफ करते हैं, जिसके जरिए आप देखिए एक शख्स कैसे लुढ़कते हुए अपनी जान बचाने की लगातार कोशिश करते हुए पानी में बहता हुआ जा रहा है। हालांकि जो आसपास वहां लोग खड़े हैं उनकी कोशिश है कि उसको बचा लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं, इल्म नहीं। ये स्कूली बच्चे हैं और यहीं से चंद कदम की दूरी पर पानी का तेज बहाव है। तो बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। हालांकि गोताखोर तो यहां नहीं है, लेकिन इन ग्रामीणों में ही अगर किसी को तैरने आता हो, तैराकी आती हो, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी आदमी को कोई मदद चाहिए तो वो उसे मदद कर सके। फिलहाल यही होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं मवेशी बहके जा रहे हैं, कहीं आम लोग बहके जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे से स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं। उनको यहां से बाहर निकालने के लिए या उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इस बीच सहयोगी रवि शर्मा का हम रुख करते हैं। सबसे पहले रवि, ये अपडेट कीजिए, हम स्कूली बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये अपने घर तक पहुंच गए या अभी भी परेशानी इनके सामने है? जी देखिए, दरअसल इस इलाके में पिछले एक दो दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के दौर के चलते जो है इस इलाके का काफी सारा ऐसा एरिया है जो कि जिसका सीधे तौर पर सड़क और अन्य मार्गों से संपर्क कटा होता है। तो अभी जो ये बच्चे हैं अभी तक ये फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जल्द से जल्द जो है सुरक्षित रास्तों से बाहर लाया जाए और उनको उनके घरों तक तो पहुंचाया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि अभी तक बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं और लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। जी रवि, इस बीच किसी से बातचीत हो पाई है? जी देखिए, ग्रामीण ये जो पूरा इलाका है, मैं अगर इस पूरे इलाके की बात करूं तो सरू और इसके आसपास का जो ये इलाका है, टीडी बारापाल और ये जो तमाम एरिया है, यहाँ पर कई सारा एक बड़ा भूभाग ऐसा है जब तेज बारिश होती है तो उसका संपर्क जो है कट जाता है और जो पुल जो छोटी पुलियां हैं उन पर पानी का जो आवक है वो तेज हो जाती है। तो ऐसे में फिलहाल तक स्थिति जो सामने आ पाई है वो तो यही है कि अभी बच्चे जो हैं ये तकरीबन 50 से 60 बच्चे हैं जो अभी भी फिलहाल फंसे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इनको जब आसानी पूर्वक और सावधानी से इनको बाहर लाया जाए और इनके घरों तक पहुंचाया जा सके। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जरा तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये और जिसके बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अभी भी ये बच्चे फंसे हुए। रवि हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना था कि अभी भी बच्चे यहीं फंसे हुए हैं, इनको निकालने के लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीण अपनी तरफ से जो भी बन पा रहा है वो कर रहे हैं।